सर्विंग बोल में निकाल लिया माशाल्लाह। इससे छोटी सी प्यारी से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगी। तो सर्दी का मौसम आ गया है और माशाल्लाह बाज़ार में बहुत अच्छे अच्छे गोभियाँ आ रही हैं, फूल गोभी, और बहुत फ्रेश आ रहा है आजकल। आप लोग आलू गोभी मटर खा कर करके बोर हो चुके हैं तो आ जाइए आप अचारी गोभी बनाए। तो यहाँ पे हमने देखिए लिया है क्या क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने लिया है आधा किलो गोभी, हमने इस तरह से देखिए ले लिया है। इतने बड़े बड़े हमने फ्लावर तोड़ लिया है, साफ कर लिया है। अभी इसको जो है गर्म पानी में डालेंगे तो वो भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो हमने मसाला लिया है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया है देखिए राई लिया है 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हमने ये मेथी लिया है। मेथी का दाल है ये, कुटी हुई होती है, ये बाज़ार में मिल जाता है। अगर नहीं है आपके पास तो अखी मेथी भी डाल सकती हैं या उसको कूट के भी डाल सकती हैं। यहाँ पे हमने लिया है हाफ टी स्पून मंगरेल यानी कलौंजी, और 5 चम्मच हमने लिया है हींग, और यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से स्पाइसी मसाले पिसे हुए लिए हैं। तो यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 5 चम्मच हमने लिया गरम मसाला, और 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर, ये हमने 1/2 टीस्पून हमने लिया है चाट मसाला डाल सकती हैं, अगर नहीं है तो अमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है अमचूर पाउडर, और ये 5 चम्मच हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे हमने देखिए 3 हरी मिर्ची लिया, इस तरह से कटिंग कर लिया है, और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन को कूट के ले लिया है ये देखिए, और 1 मीडियम साइज की प्याज। तो चलिए सबसे पहले हम गोभी को धुल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गोभी में हमने तो गरम कर लिया है पानी, तो ये गरम पानी डाल देंगे इसमें, और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे पाउडर, और 1 चम्मच विनेगर डालेंगे, ताकि जिससे आपको डर रहता है ना कि इसमें कीड़े वगैरह रहता है, तो बहुत लोग जो है इसकी वजह से नहीं खाते पीते हैं। तो इसको क्या करने का, विनेगर में और पानी नमक हल्दी मिला के भिगा देने का 10 से 15 मिनट, इसी में छोड़ देने का, अच्छे से साफ हो जाएगा। आप देखेंगे ना बहुत साफ़ हो जाएगा, तो बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा ये। तो चलिए इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ इसी में, 15 मिनट के बाद मिलते हैं। यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गया है, और मैंने जो सिरका डाला है ये वाला है वाइट विनेगर कुकिंग वाला है, ये खाने में पड़ता है। तो चलिए इसको 2-3 पानी से धुल के निकाल लेती हूँ, हैं ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने कढ़ाई रख दिया है, इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। अब तेल थोड़ा गर्म हो गया है तो मैं इसमें जो हमने आपको खड़े मसाले दिखाए थे तो ये डाल देती हूँ। पहले राई डाल देती हूँ, सौंफ, सारी चीज़ें चले जाएगी एक साथ। तो चलिए थोड़ा सा इसको काटने देती हूँ, इसको जलाना नहीं है, बस थोड़ा से 5 सेकंड के लिए, 5 से 10 सेकंड के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसका जो है खुशबू निकालना है, ताकि ये खुशबू पूरे घर में फैल जाए। ओ वाओ, तो ये आप देखेंगे ना, यकीन मानिए इतना ये टेस्टी अचारी गोभी बनता है। आप पराठा से, चपाती से, इससे भी खाएंगे ना, बहुत अमेज, बहुत यम्मी बनने वाला है। तो अब यहाँ पे मैं डाल देती हूँ प्याज, जो हमने बारीक काट के रखा है, 1 मीडियम साइज का है प्याज, और इसी साथ में मैं डालूँगी अदरक लहसुन जो मैं कूट के रखती हूँ। चलिए इसको भी पका लेते हैं, बहुत अच्छी खुशबू माशाल्लाह आ रही है, और प्याज को थोड़ा पका लेंगे, और मैं दिखाऊंगी आपको कितना प्याज को पकाना है, बिल्कुल जलाना वगैरह नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हल्का से पिंक गुलाबी करना है बस। तो देखिए बस इतना ही प्याज पकाना है, प्याज को बिल्कुल लाल नहीं करना है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ जो हमने ये किससे मसाले आपको दिखाए थे, धनिया, मिर्चा, गर्म मसाला, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ, और थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, और इसी के साथ डाल देते हैं ये मिर्ची जो हमने काट के रखे थे, 3 मिर्ची है, इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी 1 टेबल स्पून, और अगर आपको तीखा पसंद हो तो मिर्चा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मसाला को पका लूँगी 1 मिनट, ताकि जो है मसाला जो है वो फ्लेम पे, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए और भुन जाए। तो यहाँ पे जो है हमारा मसाला भुन चुका है, तो मैं डाल दूँगी इसमें गोभी, देखिए ना मैंने गोभी कितना साफ लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश एकदम, बिल्कुल बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल गोभी, अभी आप गोभी खा सकती हैं, ये अचारी गोभी बन रही है,
आपकी पसंद की चीजें हैं बन रही है। मैं खुद ही ऐसी हूँ महकती हुई। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, उसमें डालूंगी मैं थोड़ा से जो है काला नमक भी। इसमें पोटासियम कैल्शियम सब कुछ है, काला नमक है, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, बिल्कुल छोटी सी चम्मच है, देख सकती हैं मेरे पास, इसी चम्मच से हमने एक चम्मच डाला है। मैं समझिएगा कि बहुत बड़ी चम्मच से डाली, तो उसको अच्छे से मिला दूंगी। और देखिए इतना पानी छोड़ा है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी ताकि ये जो है पक जाए। तो इसमें हम जो है 4 टेबल स्पून दही भी डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पक चुका है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ दही। दही में डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। ओके अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। दही जब ये दही बिल्कुल इसमें अब्सॉर्ब करना है, इसको पकाना है, इसमें ग्रेवी नहीं लगेगी, बस लुटपुटा सा रहेगा। तो चलिए इसको बंद कर देती हूँ और फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो है अचारी गोभी बनकर माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। और इसमें मैं डाली हूँ थोड़ी सी हरी धनिया और इनको हल्के हाथ से प्यार से मिलाएंगे और इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। हमने जो है सर्विंग बोल में निकाल लिया माशाल्लाह इस छोटी सी प्यारी से कढ़ाई में, और हमने इसके साथ पराठा बनाया है। और ये पराठा बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी पराठा से लगता है। तो आप भी पराठा पूरी और यानी चपाती से भी खा सकते हैं, बहुत यम्मी बनता है। चावल दाल बना लीजिए और ये टेस्टी सी सब्जी। तो चलिए यहाँ पर होती है मेरी वीडियो क्लास, मेरी वीडियो क्लास तक देखा करें ताकि आपको समझ में आए। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें, यह सब आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। अल्लाह हाफिज़।